अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, आज वो फसल है जिसको कहते हैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा फसल कद्दू। और ये अब इस दौर में आज हम खड़े हैं 1 मार्च 2024 में, माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अर्निंग देने वाली सब्जी में फसल बन चुकी है कद्दू। आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन अगर घुमा के दिखाए तो आपको इसकी फसल टोटल चारों तरफ एक एकड़ है। ये भी भाई अफजल साहब की है, लोकेशन है इसकी साहू का बूरे वाला, भाई अफजल साहब के खेत में हम। और इसके अंदर अगर कैमरामैन साहब आपको थोड़ा सा तवज्जो में दिखाए तो ये मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं बेड की साइडों पे। ये अगर दिखाए इधर अंदर लगा, इसके आगे लंबी लगा। नाजरीन ये आपको देख सकते हैं, ये इंटरक्रॉपिंग है। इसकी साइंस भी हम आपको बाद में पूछ के देते हैं भाई अफजल साहब से कि ये क्या साइंस है। नाजरीन जो मैंने उनसे सवाल किए थोड़ा पहले खेत में आते ही, उनके मुताबिक ये कि ये बाकी फसलों से खर्चा कम लेती है, अर्निंग इसकी ज्यादा है। इसका खर्चा टोटल 2 लाख के करीब है जो कि ये मिर्च दे जाती है, और जो कद्दू की फसल है ये माशाल्लाह 10-11 लाख तक पहुंच जाती है, और ये टोटल बचत ही बचत है। तो अभी हम चलते हैं भाई अफजल साहब से, उनको आप बेसिक सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई अफजल, की हाल है जनाब दा? ठीक ठाक भाई अफजल। अपने जिहड़ी सब्सक्राइबर फैमिली है, जिहड़े लोग अपने नाल जुड़े हुए ने, उन्हां नूं जरा आवाज उच्ची रख के दसो कि ये जिहड़े कद्दू ने एक केड़ी नस्ल दा बीज है? ये इंडिया दा बीज है मैको। इंडिया दा बीज है मैको। ये मिलदा कित्थों है? अगला सवाल ओह सारिआं तों पहले इही करदे ने। ये आर वाले नवीद ट्रेडर तों। आरफ वाला नवीद ट्रेडर, लियाकत नवीद ट्रेडर आरफ वाला मिल जाएगा। नाजरीन अब आप लोग कराची से उठा के मुझे फोन करते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, ये मिलता कहाँ से है? तो मैं जाके नहीं दे सकता, आरफ वाला मेरे घर से 100 किलोमीटर है। अब मैंने भाई अफजल साहब से पूछ के आपको बता दिया है, लियाकत नवीद ट्रेडर्स आरफ वाला गल्ला मंडी। गल्ला मंडी के अंदर जाएंगे, लियाकत नवीद का आप नाम पूछेंगे आपको पता चल जाएगा, उनसे ये बीज आपको मिलेंगे। बैंगन के भी, खीरे दा, बैंगन दा, करेले दा, सारा बीज, बैंगन खीरा करेला कद्दू हर चीज के बीज उन्हीं से आपको मिलेंगे लेकर नवीद साहब के। और अगर भाई अफजल के पास उनका कार्ड हुआ तो वो भी मैं आपको इसकी तस्वीर लगा दूंगा लेकर साहब की, तो आप उनसे जो है ना रिसीव कर सकते हैं। हम भाई अफजल साहब अपने नाजरीन ये दसो कि जदों ये लगाते हो जमीन की तैयारी च की शामिल है? जमीन की तैयारी च खुराक जी, खुराक पहले तो ये दसो कि बेड का साइज की है? तकरीबन 5.5 फुट। 5.5 फुट की चौड़ाई से बेड है, है। कम दोनों साइडा ते किनिया वाला ला दे? तकरीबन 200 बल। एक साइड ते 222, फिर एक साइड ते 222, यानी एक बेड च टोटल 444 बेलां आ दियां ने। ठीक हो गया जी, एक बेड च 444 बेलां आ दियां। टोटल बेड किन्ने ने? 30 बेड ने। अगे अपने मोबाइल ते कैलकुलेशन कर लेना वरना टाइम ज्यादा लंबा हो जाएगा। 30 बेड 444 बेलां एक बेड ते बेड साइड ते मिर्च दी इंटरक्रॉपिंग ग्रीन चिली दी, ओदी सैस आपां नूं भाई अफजल साहब ने दस दिती है कि मिर्च इसलिए असीं लगाने हैं कि खर्चा मिर्च कट जाती है खेत दा ते कद्दू अपनी बचत च रह जांदा है। माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा भाई अफजल, एक किदां दे लोगों नूं करना चाहिदा है? लेजी लोगों नूं, मेहनती लोगों नूं? मेहनती लोगों नूं। एक कद्दू की फसल मेहनती लोग कर सकते ने, एदे च किन्नी कु तवज्जो दी जरूरत होंदी? सब्जी इक ऐसी चीज है जिहड़ी बंदे दा 24 घंटे चो 18 घंटे टाइम मंगदी है। 24 घंटे चो 18 घंटे टाइम मंगदी है। अच्छा भाई अफजल साहब, हुण इह खुराक इहनूं टोटल आपां किन्नी देनी होंदी शुरू तो एंड तक? शुरू तो एंड तक 10 बोरी दीआं फास्फोरस दीआं होणगीआं। 10 बोरी फास्फोरस, चाहे डीएपी शक्ल दिओ जां नाइट्रोफास दी, इक चीज चाहे डीएपी दिओ ते चाहे नाइट्रोफास, 10 बोरियां इहनूं देणीआं। टोटल लाइफ लाइफ किन्नी है इहदी? तकरीबन 6 महीने। 6 महीने दी लाइफ है। यूरिया किन्ना देना है? एक अद्धी बोरी। ज्यादा यूरिया नहीं, जिंक ते सल्फर ते पोटाश। जिंक और सल्फर पोटाश में पाई है इस कंपनी। अच्छा, ग्रीन वाले नहीं? ग्रीन इंटरनेशनल कंपनी। ग्रीन इंटर किन्नी किन्नी पाई है? 10-10 लीटर। 10-10 लीटर जिंक सल्फर ते पोटाश पै चुकी है। मजीद भी दोगे? डोनी बरस होंगी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਈਟ ਤੇ ਡਾਉਨੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਝਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਪੁੱਟੋ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਬਾਬ ਦੇਗਾ ਵਰਨਾ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਕੇ ਸਾਇਦ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਅੱਛਾ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਰਵੇ, ਫਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੂਸਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਾਪਰ ਪਾਣੇ ਐ ਲਾ, ਇਹ ਸਰੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਪਾਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਨਵੰਬਰ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਛਾਪਰ? 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਦੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਦੋ ਚੁਣਾਈਆਂ ਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਇਹ ਛਾਪਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਬਈ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਚਤ 'ਚ ਠੇਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਬਈ ਅਫਜ਼ਲ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੱਦੂ ਖਾਓ ਤੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।